मॉर्निंग प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हो? अभी तक की क्लास में हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था औ की मात्रा। औ की मात्रा का व्यंजनों पर प्रयोग, उसे बोलना और उसे लिखना। औ की मात्रा के चिन्ह के प्रयोग से हमने नए शब्दों का निर्माण सीखा, बोलना और लिखना दोनों सीखा। हमने व्यंजनों पर प्रयोग सीखा, हमने शब्दों पर प्रयोग सीखा। आज हम लिखेंगे वाक्यों का प्रयोग, लिखेंगे भी और वाक्यों को पढ़ेंगे भी। तो हम अभ्यास कर रहे हैं औ की मात्रा का। हमें क्या तैयारी करनी है उसके लिए? हमें तैयारी करनी है अपनी पुस्तक अमृता स्वर ज्ञान और अपनी कॉपी लेकर बैठना है और हमारे साथ साथ पढ़ने का और लिखने का दोनों का अभ्यास करना है। आप लोग तैयार है? तैयार है, वेरी गुड। हम क्या करेंगे? औ की मात्रा से बनने वाले नए वाक्य सीखेंगे। तो आज हम अपनी पुस्तक लेकर बैठेंगे अमृता स्वर ज्ञान के पेज नंबर 34 से। अमृता स्वर ज्ञान पेज नंबर 34 से हम औ की मात्रा का ज्ञान सीखेंगे। वर्णों का प्रयोग, शब्दों का प्रयोग करके हम वाक्य बनाएंगे। तो हम शुरू करते हैं हमारा पहला वाक्य। ग में औ की मात्रा गौ, र व। र में कोई मात्रा है? नहीं है। व में कोई मात्रा है? नहीं है। तो शब्द हमारा क्या बनेगा? गौरव। शब्द क्या बनेगा हमारा? गौरव। गौरव के म में औ की मात्रा मौ, सा। मौ सा आए। गौरव के मौसा आए। आए के बाद यहाँ पर पूर्ण विराम। गौरव के कौन आए? मौसा आए। ममी औ की मात्रा मौ, समय आ की मात्रा सा। मौसा। गौरव के मौसा आए, पूर्ण विराम। हमारे साथ साथ बोलेंगे आप, गौरव के मौसा आए। वेरी गुड। अगला वाक्य हमारा, खमे छोटी का खी, लमे औ की मात्रा लौ, ना। खिलौ ना। खिलौ ना लाए। मौसा में समझते हैं आप, मौसी के हस्बैंड मौसा। तो हमारे यहाँ भी मौसी आती है, मौसा आते हैं और बहुत सारे गिफ्ट लेकर आते हैं। तो गौरव के भी मौसा आए और क्या लेकर आए? खिलौना लाए। खिलौना कैसे लिखेंगे? खमे छोटी की मात्रा खी, लमे औ की मात्रा लौ, ना। खिलौना लाए, ठीक है। हमारा अगला वाक्य है, नमे औ की मात्रा नौ, कर। नौकर। बाजार से प, कमे औ की मात्रा कौड़ी, पकौड़ी। लाया, क्या लाया नौकर बाजार से? नौकर बाजार से पकौड़ी लाया। पकौड़ी अच्छी लगती है ना सबको? वेरी गुड। फिर से पढ़ेंगे हमारे साथ, नौकर बाजार से पकौड़ी लाया। नौकर बाजार से पकौड़ी लाया। हमारा अगला वाक्य है, औरत नौका। नौका मीन्स नाव। नाव कहाँ चलती है? नदी में, ठीक है। औरत नौका पर बैठ कर आई, पूर्ण विराम। यहाँ पर वाक्य हमारा समाप्त हुआ। तो औरत नौका पर बैठ कर आई। कौवा बोल रहा है। कौवा कैसे बोलता है बताइए? काव काव ऐसे बोलता है ना कौवा? तो कौवा बोल रहा है। देखे कौन आता है। जैसे हमारी मान्यता है हमारे यहाँ कि कौवा जब हमारी छत पे बोलता है तो हमारे घर मेहमान आते हैं, है ना? ऐसा हमारी दादी रानी कहती है ना। तो वाक्य में भी यही कह रहे हैं कि कौवा बोल रहा है, देखे कौन आता है। ठीक है बच्चों, अब हम फिर से पढ़ेंगे ऊपर से, आप हमारे साथ पढ़ेंगे।
पढ़ने का अभ्यास करेंगे तो हमें औ की मात्रा भी अच्छे से आ जाएगी। ठीक है, गौरव के मौसा आए, खिलौना लाए, नौकर बाजार से पकौड़ी लाया, औरत नौका पर बैठकर आई। आपको क्या करना है, अपने पुस्तक स्वर ज्ञान से हमारे साथ साथ जैसे हम उंगली रख के पढ़ रहे हैं आपको इसी प्रकार से पढ़ना है। ठीक है, एक एक शब्द को स्पष्ट रूप से बोल बोल कर। कौआ बोल रहा है, देखें कौन आता है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इन वाक्यों में से औ की मात्रा के शब्दों को अलग से छाटेंगे और उन्हें अलग से पढ़ेंगे। तो पहले वाक्य में हमारी औ की मात्रा का शब्द क्या है, गौरव। क्या है, गौरव। मौसा, मौसा। दूसरे वाक्य में खिलौना, खिलौना। हमारे साथ साथ बोलते जाएंगे आप, नौकर, नौकर। पकौड़ी, पकौड़ी। औरत, औरत। नौका, नौका। कौआ, कौआ। कौन, कौन। एक बार और पढ़ेंगे हम सिर्फ औ की मात्रा के शब्दों को छाट कर। गौरव, मौसा, खिलौना, नौकर, पकौड़ी, औरत, नौका, कौआ और कौन। ठीक है बच्चों, अब हमें क्या करना है, परीक्षा की तैयारी शुरू करना है। परीक्षा की तैयारी के लिए प्रत्येक पाठ में से हमें 5 बार शब्द आना चाहिए। हर मात्रा के 5 बार शब्द हमें अलग से याद करना है और हर पाठ में से प्रश्न उत्तर हमें याद करना है। वो प्रश्न उत्तर हम आपको अगली क्लास में बताएंगे। किस प्रकार से आएंगे प्रश्न, इस प्रकार से आ सकता है, गौरव के कौन आए, तो आपको आंसर लिखना है गौरव के मौसा आए। इसलिए आपको पाठ को बहुत अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, मौसा क्या लाए, गौरव के मौसा क्या लाए, तो गौरव के मौसा खिलौना लाए। उत्तर होगा गौरव के मौसा खिलौना लाए। नौकर बाजार से क्या लाया, तो नौकर बाजार से पकौड़ी लाया। वेरी गुड। औरत किस पर बैठकर आई, तो औरत नौका पर बैठकर आई। कौआ बोल रहा है, देखे कौन आया, तो प्रश्न इसका इस प्रकार से बन सकता है कि कौआ, नहीं इस प्रकार से नहीं, प्रश्न बनेगा कौन बोल रहा है, तो हम उत्तर लिखेंगे कौआ बोल रहा है। प्रश्न होगा कौन आई, ये तो हम अगली क्लास में बताएंगे कौन आई। ठीक है, तो आपको इस प्रकार से प्रत्येक पाठ के प्रश्नों को याद करना है, समझ समझ कर पढ़ेंगे तो हम प्रत्येक प्रश्नों के उत्तर भी दे सकते हैं। और हम अगली क्लास में आपको जब रिवीजन करवाएंगे तो प्रत्येक प्रश्न उत्तर हम आपको बताएंगे, तो आपको उसका अभ्यास करना है। अब अगली क्लास में मिलेंगे हम, तो अगले नए वाक्यों के साथ, अगले नए औ की मात्रा के शब्दों के साथ। तो आप लोग को तैयारी करना है और पढ़ाई करना है, अच्छे से करना है। ठीक है, अब हम अगली क्लास में मिलेंगे। ओके बच्चों, अपना ख्याल रखेंगे, अच्छे से रहेंगे। ठीक है बच्चों, बाय।